हाय दोस्तों, आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रियलमी 8 का कैमरा टेस्ट आफ्टर अपडेटिंग 8.21। तो 8.21 इसके अंदर मैंने अपडेट कर लिया है। मैंने इसकी रिव्यू वीडियो भी काफ़ी पहले बना चुका हूँ, तो इधर काट दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। तो आज हम करने वाले इसका कैमरा टेस्ट, जानेंगे इसमें डिग्रेड हुआ है या फिर कोई चेंजेस आपको मिलती है। चलो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम बात करने वाले हैं इंडोर के अंदर। तो इंडोर के अंदर देखिए, मैंने काफ़ी सारे सैंपल्स खींच के रखा है। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल की। तो देखेंगे नॉर्मल के अंदर कुछ इस तरीके के जो अपने को इमेज देखने को मिलती है। तो भाई हाँ, इधर एक ही प्रॉब्लम मेरे को अपडेट के बाद में देखने को मिल रही है। जबकि मैं जब मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ तो मेरे सारे जो है बॉडी पर अच्छा सा इसका जो है क्लियर आ रहा है, बट मेरा फेस देखेंगे ब्लर हो चुका है। तो यही मेरे को जो है इशू देखने को मिल रहा है कुछ अपडेट दो अपडेट के पहले से, कि भाई ये जो है मेरे फेस को ही ब्लर कर दे रहा है। मेरे कपड़े को एकदम क्लियर, भाई कपड़े पे जो जो लिखा है सब कुछ क्लियर दिख रहा है, बट हाँ फेस को ब्लर कर रहा है। तो ये जो है मेरे को इशू देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे पोर्ट्रेट की। तो पोर्ट्रेट में देखेंगे, हमने एक ही सैंपल खींचा है भाई, इसमें भी जो इसने हक दिया है, इस डिरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हका है। और भाई भाई एक बार इसका जो है इसमें भी मेरा फेस ब्लर किया है। ये दिक्कत मेरे को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया भाई इसको, अपडेट के बाद में पूरी ही मार दी है इसकी। और अगर हम बात करें 64 मेगापिक्सल एनेबल करने के बाद में, तो भाई 12 MB की फोटो बनती है 64 मेगापिक्सल एनेबल करने के बाद पर। हाँ अब थोड़ी फेस की क्लैरिटी ठीक है, बट फिर भी यार अभी कहीं ना कहीं क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है पहले से। पहले हमने टेस्ट किया है, मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पहले देख लेना। हमने जब फ़ोन लिया था, जब भी हमने टेस्ट किया था, जब काफ़ी अच्छे फोटो निकल के आ रहे थे। अब अगर बात करें अल्ट्रा वाइड की, तो देखेंगे अल्ट्रा वाइड में हमने खींचा है, इसमें भी जो है इसने मेरे को ब्लर किया है, फेस को ब्लर कर दिया है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो भाई एकदम दिमाग ख़राब हो गया मेरा, अब दिमाग के बाहर जा रहा है। अब इंडोर के अंदर हम सेल्फी की बात करें, तो देखेंगे मैंने कुछ एक सेल्फी लिया है, तो भाई ठीक है सेल्फी, मतलब इससे अच्छा और बेटर कर सकता था, बट क्या ही कर सकते। अब देखेंगे दूसरी सेल्फी जो है मैंने लाइट चालू करके ली थी, ठीक ठाक यार, इतनी कुछ बुरी नहीं। और देखेंगे ये रहा हमारा पोर्ट्रेट सेल्फी के अंदर, इसके अंदर इसने हक दिया, फेस ब्लर कर दिया, और क्या ही बोले अब, पोर्ट्रेट तो दिख ही नहीं रहा भाई, पोर्ट्रेट है ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा, क्या ही कर सकते हैं। अगर वीडियो की बात करें तो आप देख सकते हो ये वीडियो सैंपल, देखेंगे कुछ इस तरीके की वीडियो निकल के आई है, मेरे हिसाब से ठीक है, उतनी बुरी भी नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं अल्ट्रा वाइड का वीडियो, देखेंगे कुछ इस तरीके की निकल के आई, अल्ट्रा वाइड में भी ठीक है, बट हाँ एक्सपोजर कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो रहा था, ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिली। अब हम जाते हैं अल्ट्रा माइक्रो के अंदर। तो अल्ट्रा माइक्रो में तो भाई देखिए फोटो जो है काफ़ी बढ़िया आती है, मैं इतना कहना चाहूँगा, फोटो एकदम अच्छी आती है, मतलब क्लैरिटी ठीक है यार, कोई जितनी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है। पर हाँ इतना कहना चाहूँगा, अपडेट के बाद में बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुआ है, जैसे जैसे अपडेट दे रहे वैसे वैसे डिग्रेड होते आ रहा है, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आया। अगर बात करें सेल्फी वीडियो की, तो आप ये वीडियो सैंपल देख सकते हो। तो देखो भाई साहब, इधर जो है हमको एक्सपोजर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, जैसे ही मैं इधर आ रहा हूँ तो मेरा फेस का जो टोन है चेंज हो रहा है, और फिर मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ तो मेरा जो फेस का टोन है वो चेंज हो रहा है। तो ये इशू जो है अभी इसमें फिर से हमको दिखने लगा है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब तो इंडोर में तो भाई देखिए डे के अंदर ठीक ठाक फोटो आ जाती है। अब अगर बात करें आउटडोर की, तो आउटडोर में आप देख सकते हो हमने नॉर्मल में खींचा है, तो देखिए कुछ इस तरीके की फोटो निकल के आई है, ठीक है आउटडोर में थोड़ी ठीक निकलती है क्लैरिटी, थोड़ा फेस पे ठीक है, बट टोन जो है पूरा चेंज कर दे रहा है, जैसे का जो हमारा स्किन का टोन होता है वो जो ये चेंज कर दे रहा है, ठीक है यार क्लैरिटी। अब देखेंगे मैंने प्लांट का जो है फोटो खींचा है, तो देखेंगे क्लैरिटी अच्छी है यार भाई, ये प्लांट की तो फोटो अच्छी खींच ले रहा है, मैं इतना कहना चाहूँगा। 64 मेगापिक्सल की बात करें, तो भाई एनेबल करने के बाद में देखेंगे फोटो कुछ इस टाइप की आई है, और हाँ थोड़ी सी जो हमको क्लैरिटी बढ़ के दिख रही है 64 मेगापिक्सल में। आउटडोर में जो थोड़ा कैमरा मेरे को बेटर लग रहा है। पोर्ट्रेट की बात करें, तो देखेंगे पोर्ट्रेट कुछ इस तरीके का, हाँ अब ऐसा लग रहा है कि हमने पोर्ट्रेट खींचा है अंदर, तो भाई लिटरली हक दिया था इसने, अब थोड़ा ठीक है पोर्ट्रेट बाहर। अगर वीडियो की बात करें, तो देख सकते हैं ये हमने नॉर्मल वीडियो लिया है, तो भाई वीडियो ठीक ठाक थी, कोई नहीं अच्छा था नहीं बुरा मैं बोलना चाहूँगा। अगर आउटडोर अल्ट्रा वाइड की बात करें, तो आप ये वीडियो सैंपल देख सकते हो, कुछ इस तरीके की वीडियो आई है अल्ट्रा वाइड में। अब जो है हमको एक्सपोजर कम ज़्यादा का इशू देखने को मिल रहा है, ये पहले नहीं था, अब जाके जो इशू हमको दिख रहा है। अल्ट्रा वाइड फोटो की बात करेंगे, तो देखेंगे कुछ इस तरीके का ये भाई ठीक है, बट हाँ जो ग्रेन्स अपने को ज़्यादा मिलते हैं अल्ट्रा वाइड में, जबकि नॉर्मल कैमरे में थोड़े कम मिलते हैं। अगर सेल्फी की बात करें जाए, तो देखेंगे नॉर्मल के अंदर हमने जो है खींचा है भाई ठीक है, सेल्फी डायनेमिक रेंज ठीक था, इस वाले सेल्फी के अंदर डायनेमिक रेंज ठीक था। और अगर पोर्ट्रेट की बात करेंगे, तो देखेंगे ये जो है पोर्ट्रेट है इसमें पता ही नहीं चल रहा है इसने बैकग्राउंड ब्लर किया है या मेरे को ब्लर किया है। और ये देखिए जो हमने फ्रंट कैमरे से वीडियो लिया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लगा है, हालांकि स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो शेक हो रहा है, बट आप देख सकते हो डायनेमिक रेंज जो है, मैं जब इधर जा रहा था तो डायनेमिक रेंज एकदम हक रहा था, और जब मैं वापस आ रहा था तो थोड़ा डायनेमिक रेंज ठीक था। तो भाई हाँ आउटडोर में थोड़ा ठीक ठाक फोटो खींच लेता है, नहीं इतना बुरा नहीं इतना अच्छा। अगर बात करें जाए नाइट की, तो भाई साहब इसमें जो सबसे ज़्यादा मज़ा आने लगा है, तो भाई साहब ये देखिए बैक कैमरे की फ़ोटो, लिटरली इसने क्या ही किया यार, मेरे बैकग्राउंड को इतना अच्छे से दिखाया है इसने, और मेरे को भाई क्या, मैं तो है ही नहीं, मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ भाई, क्या चल रहा है ये रियलमी वाले को पता है यार, क्या ही बोलूँ अब मैं। और देखेंगे ये है नॉर्मल, और ये देखेंगे आप अल्ट्रा वाइड में भी सेम चीज़, बैकग्राउंड एकदम क्लियर दिख रहा है, कलर एकदम दिख रहा है दीवार का एकदम मस्त, लेकिन मेरे को इसने जो है एकदम ये बेकार कर दिया। अगर सेल्फी की बात करें, तो भाई साहब
ये तो टट्टी है। लग रहा है लिटरली यार नोकिया 512 से फोटो ली यार, क्या यार भाई। सेल्फी में लाइट ऑन करने के बाद में थोड़ी ठीक थी, मैंने देखेंगे दूसरी फोटो में, बट फिर भी यार हग दिया, तो बोलते हैं ना हग दिया, ये तो टट्टी है, इसने हग दिया मतलब एकदम। अगर वीडियो सैंपल की बात करें तो यार फोटो में इतना अच्छा, यार वीडियो कितनी अच्छा होगी देख सकते हो आप, वीडियो कुछ इस तरीके की है। क्या क्या चल रहा है जिंदगी में भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। अगर बात करें जाए सेल्फी वीडियो की, मेरे को हंसी आ रही यार बोलते बोलते, क्या क्वालिटी। और देखो भाई क्या ही क्वालिटी है, कितने कम ग्रेंस आ रहे, इतने कम ग्रेंस तो भाई आईफोन में भी नहीं आ रहे, क्या बताऊँ मैं, आईफोन से बढ़िया फोन नहीं है भाई। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब। तो भाई नाइट में बिल्कुल ही इसने हक दिया, मतलब पैसा बर्बाद, इतना बोलना चाहूँगा पैसा बर्बाद। गाइस मैं तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अब इस अपडेट के बाद में जो मेरे को कैमरा हैंग इशू ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले नहीं हो रहा था, बट पहले आप एक क्लिप देखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये क्लिप के अंदर जो है कैमरा, जैसे मैंने ओपन किया तो थोड़ा मतलब फ्रेम अटक रहे थे, और जैसे मैंने फोटो खींचा फिर उसके बाद में थोड़ा सा शॉप हुआ, फिर बाद में ओपन, तो देखिए मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा फेस करने को पड़ रही है। और पोर्ट्रेट के अंदर भी भाई देखो, मैं जब फोटो मतलब मैं इस वीडियो के लिए सैंपल्स खींच रहा था, जब भी मेरे को जो है मेरा फ़ोन अटक जा रहा था कई बार, तो हाँ ये मेरे को अभी इशू देखने को लग रहा है। देखिए अभी कब तक फिक्स होता है भाई, ये तो रियलमी वालों के हाथ में है भाई। इतने मैंने सैंपल्स खींचे थे, मैंने आपको बता दिया लिटरली। अब अगर आप बाय करने की सोच रहे हो रियलमी 8 को और कैमरे के लिए, तो भाई बिल्कुल भी मत लेना, पैसा बर्बाद है एकदम, मतलब क्या बोलूँ मैं। पहले जो भाई ये कैमरा था इसका एक नंबर टक्कर दे रहा था, अब तो भाई एकदम ही टट्टी हो गया है। पहले का टेस्ट हमने कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना, उसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी अब के मुकाबले, अब तो एकदम ही बेकार हो गया है। तो मेरी वीडियो के अंदर आपको हो सकता है क्वालिटी और भी कम लगी होगी फोटोज़ की, तो मैंने क्या है कि मैंने इसको जो है मीडिया फायर पे अपलोड किया है कुछ सैंपल्स, तो उधर से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो क्वालिटी रियल में क्या निकल के आती है, तो आप आपके फ़ोन में डाउनलोड करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक देखने को मिल जाएगा। सिंपली से उसको डाउनलोड करके आपको जो एक्सट्रैक्ट करना होगा, और आप सारे फोटो आपके सामने आ जाएंगे जितने भी मैंने अपलोड किए होंगे। तो भाई इतना कहना था, अगर आपने ले लिया है तो आप भाई पछताने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, और अगर आप लेने वाले हो तो बिल्कुल ही मत लेना। तो बस आशी बस इतना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Don't ever forget your golden. I will find the light in your soul.